ओके सो दिस इज़ लेक्चर टू ऑन मोशन इन प्लेन और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन लास्ट लेक्चर में हमने जो मोशन इन प्लेन है उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने डिस्कस कर लिए थे तो आज के चैप्टर में जब हम डेरीवेशंस करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी ठीक है सो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है इसको बहुत ध्यान से समझना प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ टू डिमेंशनल मोशन

वो एक कर्व्ड पाथ में मूव करता है एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सिर्फ क्या लग रही होती है उसमें ग्रेविटी लग रही होती है ठीक है द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है टू डायमेंशन मोशन है हॉरिजोंटल वेलोसिटी उसके पास होगी वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा एंड ग्रेविटी ही उस पर एक्ट कर रही होगी तो इस तरीके का मोशन देखो इस तरीके से एकदम सामने से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँ ठीक है एकदम ऐसे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में तो देखो ये वाला तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ये कुछ पाथ फॉलो करके ऐसे नीचे गिरेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन ऐसे बुलेट चलाई तो वो क्या करे नीचे जाएगी एकदम ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है अगर किसी बॉल को किसी एंगल से आ, हम फेंकें बॉल को एंगल से फेंकें तो क्या होगा Uh, हमने तो बोला था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए क्या अगर हम इस तरीके से किसी बॉल uh, को थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं तो क्या उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी हाँ ऑब्वियसली होगी इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ कॉम्पोनेंट आएगा यू कॉस थीटा और यहाँ पर इसका कॉम्पोनेंट आएगा यू साइन थीटा यू साइन थीटा भी है दैट इज एन एडिशनल थिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ना हमारे पास ठीक है तो यही है समझ आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है टू डायमेंशन मोशन जिसके पास वेलोसिटी है वो कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है एंड मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी उसके उस पर एक्ट कर रही है क्लियर अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल को ढंग से स्टडी करने से पहले हम हमको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो देखो जो प्रोजेक्टाइल होता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन ये किस तरीके का एग्जाम्पल है जिसमें मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सेम है ठीक है टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल नाउ नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सेस एंड जीरो अलॉन्ग एक्स एक्सेस इसका मतलब क्या है एक्सेलरेटेड मोशन तो ये है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में एक्ट करती है वो भी नीचे की तरफ ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन इज जीरो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है नेक्स्ट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म बट हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ यूनिफॉर्म तो देखो हमने क्या बोला था कि ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी को भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक uh, करेंगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वेलोसिटी अलोंग वाई तो जो एक्स के अलोंग है ये तो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द मोशन ये चेंज नहीं होती सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट चेंज होता है ठीक है इसलिए तो अगर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज ही नहीं हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा और वही हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा क्लियर है ये चीज़ तो इसको एग्जाम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग तो देखो इस तरीके से वेलोसिटी थीटा एंगल पे एक्ट कर रही है हर जगह इस तरीके से ओके जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा सेम है मतलब इस पॉइंट पे भी u cos थीटा ही लग रहा है इस पे भी u cos थीटा लग रहा है यहाँ पर भी u cos सीटा लग रहा है लेकिन जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो चेंज हो रहा है कैसे देखो इस पॉइंट पे देखो तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट u साइन थीटा है ठीक है अगर मैं एकदम इधर देखती हूँ ये वाले पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है ठीक है तभी तो फिर वो नीचे आना ड्रॉप स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है ज़ीरो एंड इस पॉइंट पर अगर देखो तो वो नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ठीक है तो वो क्या हो जाएगी माइनस यू साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते लेंगे नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे यह भी हम साइन कन्वेंशन में सीख लेंगे ठीक तो है तो हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट सेम है वर्टिकल चेंज हो रहा है ठीक है हर पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सेस के अलोंग एक्सेलरेशन लग रही है और वो क्या है जी एक्सलेशन कौन सी लग रही है जी एंड दैट टू इन नेगेटिव डायरेक्शन तो इसको हम नेगेटिव जी लेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ठीक है क्लियर है ये चीज़ प्रोजेक्टाइल का ओके okay. ठीक है तो अब हम लोग डेरीवेशन करेंगे और डेरीवेशन हम कौन से केस के लिए करेंगे सबसे पहले हम इस केस के लिए करेंगे जब विल uh, किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट को ठीक है तो जो टर्म्स हम लोगों को पढ़ने हैं इट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल द टाइम ऑफ फ्लाइट जिसमें दो चीज़ें आएंगी टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट एंड लास्ट इज इक्वेजन ऑफ ट्रेजिक्ट्री ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है तो सबसे पहले हम इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं एंड देन वील डराइव द फॉर्मूला ओके तो सबसे पहले हमने क्या बोला हमने बोला रेंज तो देखो जब ये बॉल किसी एंगल से प्रोजेक्ट की है तो ये इस तरीके से मूव करके यहाँ पर गिर रही है तो ये जो एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस कवर किया है इसने पूरा उस चीज़ को क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे ठीक है द नेक्स्ट वॉज़ मैक्सिमम हाइट तो इसके पूरे मूवमेंट के दौरान जो ये मैक्सिमम हाइट है ये जो हाइट सबसे ज़्यादा इसी पोजीशन पे है तो इस वाले डिस्टेंस को वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे मैक्सिमम हाइट ठीक है नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट अब टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे फ्लाइट के टाइम पूरे फ़्लाइट के दौरान कितना टाइम लिया गया तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लिया गया है प्रोजेक्टाइल को मूव करने में वो क्या होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट अब टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट तो असेंट का मतलब है जब वो ऊपर की ओर चल रहा है एंड डिसेंट मतलब नीचे मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो ऑब्जेक्ट मूव किया उसमें जितना टाइम लगा दैट इज़ योर टाइम ऑफ असेंट एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हुआ इट इज़ टाइम ऑफ डिसेंट ठीक है याद रहे द टाइम ऑफ असेंट इज़ इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं ठीक है और क्या बताया था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री तो ट्राजेक्ट्री का मैंने मतलब लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वो क्या होता है जो पाथ जिस पाथ के अलॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे ट्रैजेक्टरी बोलते हैं तो उसके लिए हमको इक्वेजन देनी है तो ये सारे टर्म्स के लिए हमें आज डेरिवेशन करना है ओके okay? अच्छा इनके फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले एक बार साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं जो भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा उससे हम पॉजिटिव लेंगे जब भी नीचे की डायरेक्शन में होगा नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रही है तो उसे नेगेटिव लेंगे जब जब वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल तो हमेशा इसी तरीके से लगेगा वर्टिकल पूरे इसमें चेंज हो रहा है कभी इस डायरेक्शन में लगता है कभी इस डायरेक्शन में तो जब ऊपर की तरफ लगेगा तो प्लस लेंगे और नीचे की तरफ लगेगा तो उसे माइनस लेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का ठीक है कितना टाइम लग रहा है अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हम जो मोशन कंसिडर करेंगे वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का करेंगे तो इससे इसका जो टाइम मिलेगा वो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा होगा टाइम ऑफ असेंट मिल रहा होगा एंड वी नो दैट टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट तो टोटल टाइम क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे ठीक है तो अभी हम असेंट के लिए देखते हैं तो देखो एट हाइएस्ट पॉइंट हम लोगों को पता है विलॉसिटी जो वर्टिकल विलॉसिटी वो ज़ीरो हो जाएगी हम अभी वर्टिकल मोशन लेके चल रहे हैं क्या लेके चल रहे हैं वर्टिकल मोशन ठीक है ओके okay. तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी एट हाइएस्ट पॉइंट ज़ीरो हो जाएगी ये हमको पता है तो वी वाई कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ओके okay. अब यू uh, वाई क्या हो जाएगा हमें पता है अगर यू इसकी वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा होता है एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होता है यू साइन थीटा ठीक है तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हो गई फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई और एक्सेलरेशन वाया लॉन्ग वाया एक्सेस के लॉन्ग क्या होता है नेगेटिव जी तो V मिल गया U मिल गया A मिल गया क्या हम लोग T निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है आप इसको x एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्राई कर लेना x एक्सिस में दिक्कत क्या होगी V नहीं पता हम लोगों को यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमें x एक्सिस के अलाग फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ठीक है उसको फिर वापस से निकालना पड़ेगा तो इसलिए जो चीज़ें हमें स्टार्टिंग में मिल रही हैं वो सब निकालते जाओ तो y एक्सिस के अलॉन्ग हमें सब कुछ पता है अभी ठीक है तो हम निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा जीरो इज इक्वस टू यू साइन थीटा माइनस जी टी यह आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे जी टी इक्वस टू यू साइन थीटा हो जाएगा तो टी कितना आया यू साइन थीटा बाय जी ठीक है लेकिन ये सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट था हमें टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय टू तो फॉर्मूला क्या आ गया टू यू साइन थीटा बाय जी ये फॉर्मूलाज याद करते हुए चलो टू यू साइन थीटा बाय जी ठीक है तो सबसे पहले हमने टाइम निकाला अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट क्योंकि मैक्सिमम हाइट में भी हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही डील करना है ठीक है ओके सो मैक्सिमम हाइट के लिए हम वाई डायरेक्शन में चलेंगे वाई डायरेक्शन के लिए देखो अगेन अगर ये यू है ये यू कॉस थीटा होगा और ये यू साइन थीटा होगा यू साइन थीटा यू वाई कितना सॉरी वी वाई कितना हो जाएगा अगेन जीरो क्योंकि हाइएस्ट पॉइंट पर उसकी क्या होती है वर्टिकल कॉम्पोनेंट की जो विलोसिटी होती, होती है वो ज़ीरो होती है ओके एक्सेलरेशन अच्छा सॉरी इसमें बी की जरूरत ही नहीं है हमें बी की जरूरत ही नहीं है आ, यू वाई आपका यू साइन थीटा हो गया एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी और टाइम अभी हमने निकाला यू साइन थीटा बाय जी ओके तो यू वाई है ए है टी है तो क्या आप हाइट निकाल सकते हो कौन सा फॉर्मला सेकेंड फॉर्मला हाइट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सेस वही तो है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो बस उसे वाई एक्सिस के लॉन्ग uh, हमें सॉल्व करना है तो एस वाई क्या हो जाएगा यू वाई विच इज़ यू थीटा टी टाइम की जगह क्या लिखोगे यू साइंथ थीटा बाय जी ठीक है ये यू वाई इन टी यू वाई इज यू साइं थीटा टी की जगह यू साइंथीटा बाय जी माइनस सॉरी प्लस ही है एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी तो ये माइनस हो गया एंड टी स्क्वायर मतलब यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर अब इसे सॉल्व करना है टू जी तो तो आप इसका एल्सियम लोगे जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा ठीक है क्लियर है तो ये आपकी क्या हो गई हाइट हो गई मैक्सिमम हाइट अब हम चलते हैं रेंज पर देखो रेंज के लिए तो हमें एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में चलते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका यू एक्स क्या होगा ये यू होता है ये थीटा होता है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू एक्स इज़ यू कॉस थीटा एक्से क्या होगी ज़ीरो होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो कोई एक्से ही नहीं होती और टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा टाइम कितना लगा था टू यू साइन थीटा बाय जी ठीक है यू मिल गया ए मिल गया टी मिल गया अब क्या करें सेकेंड इक्वेशन लगा दें क्योंकि आपको डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करना है बेसिकली टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ये लगा देते हैं तो जब सॉल्व करोगे तो यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा टाइम की जगह टू यू साइन थीटा बाय जी प्लस ये वाला कॉम्पोनेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए है वो जीरो हो गया अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं डाउट आ रहा ना कि यहाँ पर t हमने टू यू साइन थीटा बाय जी लिया जबकि पिछले वाले इक्वेशन में हमने सिर्फ t को u साइन थीटा बाय जी लिया था कन्फ्यूज तो नहीं होना जब रेंज की बात कर रहे हैं तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं जब हमने मैक्सिमम हाइट ली थी तो हमने सिर्फ इतने तक का आ, हम मोशन कंसिडर कर रहे थे ठीक है तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए तो जब इसे सॉल्व किया तो आगे यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा जी अब जिन बच्चों ने मैथ्स लिए उनको ये फॉर्मूला आता होगा दैट साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है, है ना और अगर जिनको नहीं आता तो मैंने अभी बता दिया है ना तो टू साइन थीटा कॉस् थीटा की जगह क्या लिख दोगे साइन टू थीटा तो ये फॉर्मूला हो गया तो क्या हम लोगों को तीनों फॉर्मूलाज आ गए हमको क्या मुझे तो आता है तुम लोगों को आ गए रिवाइज कर लेते हैं एक बार एच क्या होता है यू स्कौर... सबसे पहले हमने सॉरी टाइम किया था तो टाइम था टू यू साइन थीटा बाय जी ठीक है फिर हमारा आ गया था हाइट वो था यू स्क्वायेर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी है ना और टाइम ऑफ फ्लाइट सॉरी जो रेंज था वो तो हमने अभी लिखा यू स्क्वेर साइन टू थीटा बाय जी इसको याद कर लेना ओके अब नेक्स्ट आता है मैक्सीम रेंज रेंज आपकी मैक्सिमम कब होगी मतलब ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हम किसी बॉल को कौन से एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरे ठीक है ये गेम्स होते हैं ना शॉर्टपुट वगैरह की कि किस तरीके से हम थ्रो करेंगे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देखो रेंज का फॉर्मूला इज दिस ये जो क्वांटिटी है वो कब मैक्सिमम होगी बेसिकली वो तब होगी जब ये आपका साइन टू थीटा वाला टर्म मैक्सिमम हो जाए ठीक है क्योंकि जी तो फिक्स है यू मतलब इनिशियल आप कुछ सी वलॉसिटी से फेंक रहे हो तो हमको मैक्सिमम आंसर कब मिलेगा जब साइन टू थीटा मैक्सिमम हो जाए अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो साइन थीटा या कॉस थीटा होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन तक होती है इसका मतलब साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है ठीक है तो द मैक्सिमम दिस इज़ मैक्सिमम मैक्सीम योर साइन टू थीटा इज़ वन साइन टू थीटा वन है मतलब साइन टू थीटा साइन नाइन्टी डिग्री है नाइन्टी डिग्री पे तो वन होती है तो इसका मतलब टू थीटा क्या हो गया नाइन्टी डिग्री मतलब थीटा कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री इसका मतलब है वेन योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज फोर्टी फाइव डिग्री देन द रेंज कवर्ड इज मैक्सिमम तब आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी जब एंगल क्या हो फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है अच्छा रेंज मैक्सिमम मिली फोर्टी फाइव पे इसका मतलब अगर आप फोर्टी फाइव से बढ़ाओ या फोर्टी फाइव से कम करो रेंज कम ही होगी इसका मतलब कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम होगा जो ये मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है ये मैक्सिमम रेंज मिल रही है मतलब फोर्टी फाइव डिग्री से ठीक है उसके बाद जब हमने एंगल ज़्यादा किया तो भी रेंज कम हुई फिर और ज़्यादा किया तो और कम हुई इसी तरीके से जब हमने फोर्टी फाइव से कम किया तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको कम हुई रेंज फिर और कम हुई समझ आ रहा है कम हुई ज़्यादा हुई ज़्यादा हुई मैक्सिमम हुई फिर कम होना वापस स्टार्ट हुई ठीक है तो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैन रेंज भी सेम वन प्रोजेक्टेड आर डिफरेंट एंगल्स क्या दो अलग अलग एंगल्स के लिए रेंज सेम हो सकती है अब देखो ऑब्वियसली इस डायग्राम से तो हमको दिख ही रहा है जब हमने ये रेड वाला फेंका इस तरीके से या फिर ये ग्रीन दोनों के लिए हमारी रेंज इतनी ही आई है ठीक है सिमिलरली ये इसके लिए और इसके लिए हमारी रेंज सेम आई है मतलब रेंज हमें सेम मिल रही है फॉर टू डिफरेंट एंगल्स लेकिन उन एंगल्स का रिलेशन क्या होगा वो हमको निकालना है ठीक है तो लेट थीटा वन एंड थीटा टू बी द टू एंगल्स फॉर विच योर रेंज इज सेम रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे हम ठीक है तो देखो इसका मतलब है या तो आपका थीटा वन थीटा टू सेम हो या फिर एक और कंडीशन है जब ये सेम होता है व्हेन योर थीटा टू इज नाइन्टी माइनस थीटा वन थीटा टू इज नाइन्टी माइनस थीटा वन देखो कैसे रेंज टू का फॉर्मूला लगाओ यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू अपॉन जी इस थीटा टू की जगह नाइन्टी माइनस थीटा वन सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अंदर गया तो वन एटी माइनस थीटा वन अब मैंने आपको बताया है साइन वन एटी माइनस समथिंग क्या हो जाता है साइन थीटा ही हो जाता है ऐसा क्यों वो हमने ए एस टी सी रूल किया था ठीक है नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ इंटीग्रेशन uh, का और इसका ठीक है ताकि वो देख लेना ठीक है तो साइन टू नाइन्टी माइनस थीटा वन यानी साइन वन एटी माइनस थीटा वन ये कितना हो जाएगा ये क्वांटिटी दिस विल अगेन बिकम साइन थीटा वन और ये फॉर्मूला किसका है रेंज वन का ठीक है तो जब आ, आपका थीटा टू इज़ नाइन्टी माइनस थीटा वन तब आपका रेंज सेम होगा या फिर थीटा वन प्लस थीटा टू इज़ नाइन्टी डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो जब आपके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब आपका रेंज सेम होगा इसका मतलब है अगर मैं सिक्सटी डिग्री और या थर्टी डिग्री पे फेंकूँ बॉल आपका रेंज सेम होगा सेवेंटी डिग्री पे फेंकूँ या ट्वेंटी डिग्री पे फेंकूँ रेंज सेम होगा टेन डिग्री पे फेंकूँ या फिर एटी डिग्री पे फेंकूँ रेंज सेम होगा समझ आ गया किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ओके